हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका ज्योग्राफी सीरीज का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 89 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो 90 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन आपके पास तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोड्रेडा का पठार या बोलीविया का पठार। तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताने हैं और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो गाइस, यहां जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार, तो इसलिए यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, नीदरलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड या आयरलैंड। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, बैकाल झील या विक्टोरिया झील। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सुपीरियर झील जो है उसे विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कहा जाता है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, यानी कौन सा है, कहाँ है ये नहीं पूछ रहा, कौन सा है ये पूछ रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोयोमा, स्टेनली, एंजिल या नियाग्रा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, जो एंजिल है उसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ए, कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, 29%, 65%, 71% या 74%। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कि जो 71% भाग पर, पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है यानी जल मंडल है, और शेष जो 29% भाग है वह स्थल मंडल है, यानी अगर स्थल की बात की जाए कि भारत पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल पाया जाता है, तो 29% भाग पर क्या है, स्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है, यानी सबसे लवणीय, जिसमें लवण की मात्रा सबसे अधिक है, वो कौन सा सागर है, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मृत सागर। मृत सागर की लवणता सबसे ज्यादा होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, जोड़ती नहीं, किन दो देशों को अलग करती है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश या भारत एवं म्यांमार। यहाँ जो बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, डेविस, मलक्का, बॉस या जिब्राल्टर। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पनामा नहर
किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, प्रशांत एवं हिंद महासागर या अटलांटिक एवं हिंद महासागर? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, यानी पनामा नहर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, यानी स्वेज नहर जो है वो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर, पनामा, सू या स्वेज? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कील, यानी कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन जोड़ता है? कौन सी नहर? कील नहर जोड़ती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें चार मैच दिए हुए हैं जिनमें से तीन सही मैच है और एक सही मैच नहीं है। तो जो सही मैच नहीं है वही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि लैब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है, अंगुलास गर्म जलधारा है, क्यूरोशियो गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम क्या है? ठंडी जलधारा है। तो अगर आपने जलधाराओं के बारे में पढ़ा है, याद है आपको, तभी आप इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो ठंडी नहीं गर्म जलधारा है, बाकी के सभी सही मैच है। यही एक गलत था, तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, सॉरी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या उत्तरी सागर? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या महासागर का? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। जो ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में उसकी उत्पत्ति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो चंद्रमा का होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, नर्मदा या गंगा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। जो नर्मदा नदी है वो क्या होता है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है डी, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? जल वाष्प है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो इसे आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसके लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? यानी इन सभी मंडलों में से इनमें से दैनिक मौसम परिवर्तन सबसे अधिक किसमें होता है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में या समताप मंडल में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन।
कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन सबसे अधिक होता है समताप मंडल में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, यानी ओजोन परत जो पाई जाती है, ओजोन लेयर, वो कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या आयन मंडल में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। जो ओजोन लेयर है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचना, यानी अगर वायु दाब में अचानक कमी आ जाए तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि स्वच्छ मौसम होगा, वर्षा का मौसम होगा, शीतल मौसम होगा या तूफानी मौसम होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी से मतलब है कि जो आप मौसम है वो स्वच्छ रहेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी ये जो हमारे वायुमंडल में वायु दाब होता है उसे किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, लैक्टोमीटर से या हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर से। बैरोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने वायुमंडल की जो वायु दाब को माप सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितना वायु दाब है, वायु दाब कम है या ज्यादा है, और उसी हिसाब से मौसम का भी पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोल्ड्रम पेटी, जिसे शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है, का विस्तार कहाँ पाया जाता है, 0 डिग्री 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण, या 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में डोल्ड्रम पेटी यानी शांत पेटी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चीखता साठा पवने कहाँ प्रवाहित होती हैं, चीखता साठा एक पवन का प्रकार है और वो कहाँ प्रवाहित होती हैं, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो चीखता साठा पवने हैं वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रवाहित होती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, फॉन, चिनूक, सिरोको या खमसिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका फॉन, यानी आल्प्स पर्वत के जो उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं होती हैं उन्हें हम फॉन के नाम से जानते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही पूछा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, इधर हवाओं के नाम दिए हुए हैं और इधर उनका स्थान दिया हुआ है कि वो कहाँ बहती हैं। तो इसमें दिया है कि मिस्ट्रल हवा फ्रांस में बहती है, तो राइट ऑप्शन है या सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, मिस्ट्रल हवा जो है वो फ्रांस में ही बहती है। यामो हवा जापान में बहती है, बिल्कुल सही है। सिरोको हवा ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये सही नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि खमसिन हवा मिस्र में बहती है, ये भी सही आपका मैच है। तो 119 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन भी है ये आपका, इसमें पूछा है प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या स्वच्छ आकाश। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, स्वच्छ आकाश। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश। तो इस वीडियो में हमने टोटल 31 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट सीरीज सॉरी जियोग्राफिकल सीरीज की जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, चाहे वो हिस्ट्री सीरीज के हों या प्रैक्टिस सेट हों या आपका जियोग्राफी सीरीज के हों, हिंदी प्रैक्टिस सेट के हों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।